Assalamu alaikum. In this lecture, we will discuss about the protozoans and some of the diseases which are caused by the protozoans. So, जब हम protozoans की बात करते हैं तो सबसे पहले ये है कि they are one-celled or single-celled eukaryotic animals. Eukaryotic वो होता है, वो animals होते हैं जिनमें membrane-bounded nucleus होता है. They are found worldwide in most type of habitats. ये हर किस्म के हैबिटेट में अक्सर तौर पे पाए जाते हैं. जब हम प्रोटोजोवंस की बात करते हैं तो ये कौन से किंगडम में क्लासिफाइड है? ये किंगडम है किंगडम प्रोटोक्टिस्टा के नाम से. किंगडम प्रोटोक्टिस्टा, उसमें ये उसमें ये हैं, मतलब ये उसमें क्लासिफाइड हैं. अब किंगडम प्रोटोक्टिस्टा के हवाले से आपको बताऊं, ये जब किंगडम प्रोटोक्टिस्टा में ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि किसी और किंगडम में क्लासिफाई नहीं किए गए, फिर उन सब ऑर्गेनिज्म को इसमें रखा गया है. और प्रोटोजोवंस के अलावा और भी काफ़ी टाइप्स के और ऑर्गेनिज्म हैं जो कि प्रोटोक्टिस्टा में हैं, लेकिन हमारा जो मेजर कंसर्न है दैट इज़ प्रोटोजोवंस. और फिर प्रोटोजोवंस की यहाँ पर मैंने स्लाइड्स में आपके साथ एक शेयर की है जिसमें आप डिफरेंट आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोजोवंस हैं. डिडीनियम है, पेरामिशम है, स्टेंटर है, डायफजिया है, अमीबा है, योगलिना है, ट्रिप्टोसोमा है और भी मुख्तलिफ जो है वो आपके प्रोटोजोवंस हैं. और देयर आर मोर देन 50,000 स्पीशीज ऑफ द प्रोटोजोवन दैट हैव बीन डिस्क्राइब्ड अप टू डेट. अभी तक 50,000 के आसपास प्रोटोजोवंस की स्पीशीज बयान की जा चुकी हैं या जिनको दरियाफ्त किया जा चुका है. एंटोनी वैन लीवेनहुक, एंटन वैन लीवेनहुक, ये वो पहला बंदा था जिसने प्रोटोजोवा को ऑब्जर्व किया था. ह्यूमंस हैव प्रोटोजोवा लिविंग इन और ऑन देयर बॉडी, सम हार्म्स एंड अदर डोंट. इंसान के ऊपर भी कुछ जो है वो प्रोटोजोवन रेरे होते हैं इंसान के अंदर या इंसान की बॉडी के ऊपर, कुछ नुकसान पहुंचाते हैं और जबकि दूसरे नुकसान नहीं पहुंचाते हैं. अब आ जाते हैं कुछ डिजीज़ के ऊपर जो कि प्रोटोजोवा काज करते हैं. द इन्फेक्शन डिजीज कास्ट बाय प्रोटोजोवा इंक्लूड चागास डिजीज, ह्यूमन अफ्रीकन ट्रिप्नोसोमियासिस, लीशमैनियासिस and some other diseases. I would also show you some of the images of the trip of these mentioned diseases. But before going in that, आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा यहाँ पर कि जो मलेरिया है ये भी हमारा एक जो है वो प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया का सबब है, वो एक प्रोटोजोवा है. और जितनी भी प्रोटोजोवन डिजीज ट्रांसफ़र होती हैं उनका ज़्यादातर लिंक जो है वो वेक्टर के ऊपर होता है. वेक्टर क्या होता है? वेक्टर किस चीज़ को कहते हैं? वेक्टर किसी ऐसी चीज़ को कहते हैं जो कि आपका एक किस्म के एक पैरासाइट को एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक पहुंचाए, एक ट्रांसपोर्टर का काम करे, उसको हम वेक्टर बोलते हैं. यहाँ पे वेक्टर कौन से होते हैं? आपके इंसेक्ट्स होते हैं, आपकी फ्लाइज होती हैं और कुछ और भी आपके जो डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट्स हैं वो एज ए वेक्टर के तौर पर वो अपना काम करते हैं. सबसे पहले प्रोटोजोवा उस वेक्टर में जाते हैं, फिर उस वेक्टर या जैसे कि अगर सपोज़ करें आप अगर हम ट्रिप्नोसोमियासिस की बात करते हैं तो एक फ्लाई है जो कि वो कॉज करती है, तो वो फ्लाई उसमें पहले से प्रोटोजोवा जब मौजूद होता है तो वो जब बाइट करती है एक हेल्थी बंदे को तो फिर वो आपका प्रोटोजोवा उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है. फिर वहाँ पर वो अपनी कॉपीज बनाता है, अपना साइकिल चलाता है. फिर जब कोई दूसरी फ्लाई आती है उसके ऊपर, उस बंदे के ऊपर आके अटैक करती है, तो वो जो प्रोटोजोआ है फिर उस बंदे से उस फ्लाई में ट्रांसफ़र हो जाते हैं. तो ये एक साइक्लिक किस्म की चीज़ चलती रहती है. तो अगर हम बिल्कुल इन स्ट्रिक्ट सेंस में आ जाएं तो हम ये कह सकते हैं कि ये सब टाइम हम ये कह सकते हैं कि कम्युनिकेबल जो है वो डिजीज में आते हैं भी या नहीं. स्ट्रिक्ट सेंस में आप जाएंगे तो हो सकता है हम इसको कंसीडर ना करें, लेकिन अदरवाइज अगर आप कम्युनिकेबल डिजीज़ को इस सेंस में ले रहे हैं जैसा कि बहुत सारे रिसर्चर लेते हैं, कुछ है कहेंगे जो कि नहीं लेते, बहुत सारे रिसर्चर्स इसको लेते हैं इन द सेंस ऑफ कम्युनिकेबल कि आपकी जितनी भी वेक्टर बॉर्न डिजीज़ हैं
वो कम्युनिकेबल है, जितनी भी वेक्टर बॉर्न डिजीज है वो कम्युनिकेबल है। जाहिर बात है वो ट्रांसफ़र होती है एक ह्यूमन से फिर एक एनिमल में, फिर उस जो कि एक ह्यूमन से एक एनिमल में आया फिर वो जाकर किसी और एनिमल को लगाएगा तो फिर उसको हो जाएगी। तो ऐसे ही साइक्लिक प्रोसेस चल सकते हैं, तो इस वजह से इसको कम्युनिकेबल डिजीज़ में कंसिडर किया जाता है। चलें अब आपको थोड़ी सी गूगल की इमेजेस दिखा देते हैं। सबसे पहले ये आप देखें चगास डिजीज़ के हवाले से, ये वो फ्लाई है जो कि ट्रांसफ़र करती है आपका एक प्रोटोजोवन एक इंसान तक। फिर ये ट्रिप्नोसोमियासिस है, स्लीपिंग सिकनेस इसको कहते हैं। ये इसमें बहुत सारी इमेजेस हैं आप देख सकते हैं। इसके अलावा अब हम मूव कर जाते हैं प्रोटोजोवंस के ऊपर। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई प्रोटोजोवंस के हवाले से यही है। और इन द अपकमिंग स्लाइड्स, इन द अपकमिंग लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द वेरियस स्ट्रेटजीज जिससे कि हम खुद को बचा सकते हैं और कम्युनिकेबल डिजीज से बच सकते हैं।